सीएबीएसई बोर्ड परीक्षा में मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूल संचालक ने किया सम्मानित। लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पत्रकार पवन पाठक, पत्रकार सचिन राजभट्ट, पत्रकार सत्येंद्र सेंगर उपस्थित रहे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर पिछोर के लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने पांचवी मारी। दसवीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में जिला दूसरा स्थान प्राप्त किया और बारहवीं में 95% से अधिक अंक लेकर पांच छात्र छात्राएं आए, जिसमें आदित्य गुप्ता ने दसवीं में 96.8, वहीं छात्र अंशिका गुप्ता ने 96.2 अंक प्राप्त कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। स्कूल संचालक आशीष चौधरी ने छात्र छात्राओं को स्कूल में बुलाकर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। स्कूल प्रबंधक ने मिठाई खिलाकर उनको शुभकामनाएं बधाइयां दी और स्कूल प्रबंधक ने कहा कि स्कूल की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 95% से अधिक अंक लेकर आए। बारहवीं के पांच बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को स्मार्ट वॉच दी जाएगी, कहा। और यह हमारी संस्था हमेशा देती रहेगी और सभी उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के संचालक मनीष गुप्ता द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। मेरा नाम अंशिका गुप्ता है। अंशिका, आपने जिले में नाम टॉप किया है सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में, कितनी परसेंट रही आपकी? 96.2। क्या कहना चाहोगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी, मेरा आज जो भी रिजल्ट रहा वो स्कूल के टीचर्स की सपोर्ट की वजह से और मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से है और मेरी मेहनत। टीचर्स हमें हमेशा सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते रहते थे। जब भी हम पेपर दे के जाते थे वो हमेशा ही मोटिवेट करते थे। वो हमेशा पूछते थे कैसा गया, हम लोग कहते थे ठीक ठाक गया, वो कहते थे कोई बात नहीं, हम इससे और अच्छा करना आगे और मेहनत करना। और हमारे हिंदी वाले से हमें हमेशा कहते थे जो बीत गई सो बात गई, माना एक सितारा था मुझको बेहद प्यार था, जो टूट गया सो टूट गया। वो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते थे यही बात कहकर। हाँ, बहुत खुशी हो रही है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मार्क्स आ गए मेरे मुझे। सर, लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल ने जिले में सेकंड टॉप किया है सीबीएसई बोर्ड में, क्या कुछ कहेंगे इस बारे? निश्चित रूप से सचिन सर, आज का दिन बड़ा हर्ष का विषय है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे बच्चे ने 10th क्लास में सेकेंड टॉप स्थान हासिल किया है और निश्चित रूप से विद्यालय के लिए बहुत गर्व का विषय। अच्छा, विद्यालय परिवार की तरफ से बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया गया था इस तरह वो टॉप कर रहे हैं? विद्यालय परिवार हमेशा से एक सीढ़ी का काम करता है अभिभावक और अपने शिक्षकों के बीच। हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि पेरेंट्स से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, जिससे बच्चे सुचारू रूप से स्कूल आए। और अगर निरंतर बच्चा स्कूल आएगा तो बच्चे की एकेडमिक ग्रोथ 100% उसको मिलेगी और इसी का कारण है कि बच्चे जिले स्तर पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए।